जी बिल्कुल, इस वक्त हम सायन हॉस्पिटल के बाहर की तरफ ही है। यहाँ से थोड़ी देर में जो कॉन्वॉय निकला है वो यू टर्न लेकर के फ्लाईओवर से निकलेगा सायन के और किला कोर्ट की तरफ बढ़ने वाला है। इस वक्त हम आपको ये विजुअल जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर से ही कॉन्वॉय कुछ देर में पास होने वाला है, 4 गैरों का कॉन्वॉय जैसे हमने आपको बताया था। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि जो 4 आरोपी जिनका एंटीजन टेस्ट कोविड के लिए कराया गया वो नेगेटिव आए हैं, जिसमें शोविक, सैमुअल, जैद, बासित हैं, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बताना है। तो इस वक्त हम सायन हॉस्पिटल की तरफ ही है। यहाँ से कुछ देर में जो कॉन्वॉय है पुलिस का और NCP का वो गुजरने वाला है, जिसे हम फॉलो कर फिर जो किला कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहाँ तक जाएंगे, ताकि आगे ये कोर्ट में जो ये लोग प्रोड्यूस होंगे, इनका मेडिकल जो भी है वो भी इस वक्त करा लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट कराने के बाद NCP को यहाँ पर एक रिमांड रिपोर्ट, अरेस्ट रिपोर्ट जो है वो फाइल करनी होगी, और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि पूरे जो 4 से 5 लोग इस वक्त जो है वो कस्टडी में चले जाएंगे। बस थोड़ी देर में आप यहाँ से देखेंगे कि ये सायन हॉस्पिटल, जहाँ पर हम लोग इस वक्त सायन के रोड पर, फ्लाईओवर पर जहाँ पर रुके हुए हैं, वहाँ से जो कॉन्वॉय है वो कॉन्वॉय पास होने वाला है और ये सीधा जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उस कोर्ट की तरफ जाएगा। ये देखिए, तो ये आपको दिखा रहे हैं हम सायन का जो रास्ता है वहाँ पर, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं और ये किला कोर्ट जो है उस तरफ ये पूरा जो कॉन्वॉय है ये जाना है। इसमें शोविक, सैमुअल, जैद, बासित ये लोग मौजूद हैं, जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट किया था। उसके बाद अब इनकी जो पेशी है वो कोर्ट में की जानी है। बिल्कुल, कितनी देर में पहुंचेंगे ये लोग कोर्ट में? जी, यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता है, ट्रैफिक का वक्त क्योंकि शुरू हो चुका है मुंबई में। और ये लाइव विजुअल्स आपको आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में जो मिलेंगे वो कॉन्वॉय जो आ रहा है उसके विजुअल्स मिलेंगे। विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कॉन्वॉय के विजुअल्स, कॉन्वॉय के विजुअल्स आपको बिल्कुल पीछे। बिल्कुल विद्या, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं शोविक और सैमुअल और NCP की टीम लेकर वहां पर पहुंची। आशुतोष वहां से हमारे साथ मौजूद है। जी नवजोत, मुस्तफा तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार उस कॉन्वॉय के पीछे हैं और सैमुअल को साथ में शोविक चक्रवर्ती को लेकर के NCP की टीम किला कोर्ट पहुंच रही है। आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं किला कोर्ट की। यहाँ पर एक और हलचल सुशांत के घर पर, जहाँ पर ये देखिए CBI की टीम, जो फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है डॉक्टर्स के साथ, जिसके साथ बहन भी मौजूद है। अब वहां पर उस पूरे घर का मुआयना किया जा रहा है क्योंकि क्राइम सीन को दोबारा से रिक्रिएट करना है। सौरभ अख्तानिया वहां से भी मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। तमाम अधिकारी, CBI के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, घर की छत पर पहुंचे हैं, पूरे घर का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ, आई थी नीतू सिंह के बाद CBI की टीम यहां पर पहुंची है और आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो फिलहाल आज तक पर चल रही है कि CBI और एम्स के डॉक्टरों की टीम है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद है और वहां पर वो क्राइम सीन का पूरा मुआयना कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा अहम है, जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा था नवजोत की पहले जो टीम यहाँ पर जो रिक्रिएट करके गई है वो CBI की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी, लेकिन CBI के फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम के साथ ही जो एम्स के डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है वो ज्यादा अहम है। आप देखिए सबसे पहले तो वो घर में गए हैं, घर के बाद अब वो जो टेरेस एरिया है वहां पर मौजूद है, अब वो बिल्डिंग के टेरेस पर आ गए हैं, तो वो पूरे जो घर को है वहां से क्या कुछ कनेक्ट होता है, कहाँ से कोई रास्ता जाता है, कहाँ से खिड़की कैसे दिखती है, वहां पर वो सामान किस तरीके से रखा गया था, एक एक हलचल को ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, पूरी तरीके से ऑन पेपर इसको लिया जाएगा। नवजोत, मैं आपको बता दूं जो घटना जो हुई है 14 जून को, लेकिन 13 जून से लेके 14 जून तक जब मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी एम्बुलेंस में लेके सुशांत सिंह राजपूत को ले जाया गया था, पूरे एक एक चीज का जो है घटनाक्रम बनाया जाएगा, पूरे चीजों को पेपर में लिखा जाएगा और इनकी जो लैंग्वेज होती है नवजोत ये काफी अलग होती है, जो आम पेपर पे जो लिखा जाता है वैसा नहीं होता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही अलग होती है और इसलिए
आज जब ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर पहुंची है और उनके साथ एम्स की स्पेशल टीम बनाई गई थी नवजोत, आपको बता दें कि सीबीआई ने एम्स के डॉक्टर से मदद मांगी थी, एम्स के स्पेशल डॉक्टर्स हैं, उनसे ये कहा गया था कि प्लीज आप आइए और यहाँ पर किस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है वो उसमें आप सपोर्ट करिए। तो एम्स के डॉक्टर की टीम आज यहाँ पर आई है और वो सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम का मुआयना कर रही है, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। अब देखिए जो चार किरदार है इस पूरे घटना के, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावन, ये बहुत ज्यादा अहम है। उनको पता था, वो उस घर के अंदर मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हुआ, तो उनको लेकर सीबीआई की टीम आई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहाँ पे सीबीआई इतने दिनों से बैठी हुई थी, वहां पर जो क्वेश्चनिंग चल रही थी वो टीम यहाँ पर आई हुई है साहब। और साथ ही नीतू सिंह इस घटना में थोड़ी देरी से पहुंची थी क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने उनको फोन करके कहा था कि सुशांत घर का दरवाजा खोल नहीं रहे हैं, तो आप जल्दी से आ जाइए, कुछ गड़बड़ लग रही है। जिसके बाद नीतू सिंह ने कहा था कि आप किसी चाबी वाले को बोलिए, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो चाबी वाले को लेने के लिए जो है दीपेश सावंत गए थे, दीपेश सावंत एक चाबी वाले को लेके आते हैं और उसके बाद चाबी वाला इस घर के दरवाजे को तोड़ देता है। जिसके बाद सुशांत की जो बॉडी है पंखे से लटकी हुई मिली थी और इसलिए ये जो तमाम लोग हैं उनका इस पूरे घटनाक्रम के समय, जब इस पूरी घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जा रहा है, उनका यहाँ पर होना बहुत ही ज्यादा अहम है। दूसरी बड़ी बात नवजोत, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप पूछ रही थी कि पहले भी सीबीआई एक बार सीन को रिक्रिएट की कर चुकी है, तो आज का ये जो रिक्रिएशन है वो क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है क्योंकि आज एम्स के डॉक्टरों की टीम आई है। अब जो एम्स के डॉक्टरों की टीम बनी है नवजोत, ये बहुत बड़े बड़े ऐसे जो पेचीदा केस है, जो बहुत इम्पॉसिबल लगते हैं, वैसे केसेस को वो पहले इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं और उन सभी केसों में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो जब आज एम्स के डॉक्टरों की टीम सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ यहाँ पर आई है, साथ ही अभी एक और जानकारी हमें ये भी आ रही है कि जो इन चारों लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी, जो नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ कर रही थी, वो टीम भी यहाँ पर आई थी क्योंकि वो लोग उनसे लगातार स्टेटमेंट ले रहे थे, सौरभ अक्तानिया बिल्कुल घटनाक्रम की जानकारी ले रहे थे, दिखाते रहे तस्वीरें, उनका यहाँ पर आना बहुत अहम है, बिल्कुल बहुत अहम और बहुत बड़ी जानकारी दे रहे, दिखाते रहे तस्वीरें। मुनीश पांडे भी जुड़ चुके हैं, मुनीश समझाइए जरा आज का जो क्राइम सीन रिक्रिएट होगा कैसे होगा? जी देखिए, इसमें सबसे अहम क्या है, नीतू सिंह परिवार की वो सदस्य जो कि सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले घर पर पहुंची थी, और मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा आपको तस्वीरें दिखाते रहें इनसे की टीम इसमें सफेद कलर के कपड़ों में दिख रहे हैं, वो हैं फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट, और फोरेंसिक टीम के साथ में नीतू सिंह सुशांत के परिवार की वो सदस्य जो कि सबसे पहले सुशांत की मौत के बाद यहाँ पर पहुंची थी, और उनसे जानना चाहेगी कि आखिरकार जब वो पहुंची थी तो उस वक्त सुशांत का शव कैसा था, वो बेड पर कहाँ पर थे, और जिस कपड़े से उन्होंने कथित तौर पर अपने आप को फांसी लगाई थी वो कपड़ा कहाँ पर कैसे पड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं इस मामले में ये काफी अहम हो जाएगा क्योंकि उनके साथ में मैं बता दूं आपको तीन और लोग हैं, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, सुशांत के घर में वो लोग जिन्होंने सुशांत की मौत के बाद में सबसे पहले उनका शव देखा था, तो यहाँ पर उनसे जो बातचीत होगी, उनकी जो बातचीत होगी उसको लेकर। और ये देखिए आप, यहाँ पर जो फोरेंसिक की टीम है वो अब छत से उतर रही है। छत पर फोरेंसिक की टीम क्यों गई थी इसकी भी जानकारी मैं दे दूं आपको, वो गए थे छत पर देखने के लिए कि क्या किसी तरह के ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो कि इशारा कर पाए कि क्या सुशांत की मौत के पीछे कोई फाउल प्ले था या नहीं था, कोई साजिश थी या नहीं थी, कहीं हत्या की तरफ इशारा करता है कि नहीं करता है। तो